गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं पुरानी लाइनों के साथ एक नई क्लास ध्यान से देखना और पूरी देखना। देखिए, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास देखेंगे तो सिखाने की संपूर्ण गारंटी होगी। तो साथियों, सुबह 5 बजे से आपकी ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। आप इसे 5 बजे के बाद कभी भी देख सकते हो, दिन भर में चाहे जब देखो। चलिए, आज आपका नया चैप्टर शुरू होगा। ये पार्ट नंबर 13 है, 13 नंबर है जीरो लेवल यानी कि कक्षा 8 की गणित का। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, जिसे आप इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल की संकल्पना, मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों में संबंध निकालेंगे। ठीक ना, इसलिए पूरा देखना, वर्ग और वर्गमूल का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है यहाँ पर। पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जानते हो ना। भाग विधि से ही हम नहीं बल्कि गुणनखंड विधि से भी देखेंगे, दोनों विधियों से हम लोग वर्ग और वर्गमूल करेंगे। वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल के अंकों में संबंध भी निकालेंगे। दशमलव संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल, और ऐसी संख्या का भी वर्गमूल हम निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए इस क्लास को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो ये ट्रेलर टाइप का था, अभी तो सारी पिक्चर आगे बाकी है, इसलिए छोड़ना मत क्लास को, पूरा देखना। देखिए आगे थोड़ा और भी विस्तार से देखना, वर्ग और वर्गमूल के बारे में थोड़ा और विस्तृत देखना। देखिए साथियों, जैसे वर्ग जिसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो उसे वर्ग कहते हैं। कोई भी संख्या की घात 2 लगा दो तो क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। जैसे 3 की घात 2, ये क्या हो गया? 3 का वर्ग हो गया, है ना। 13 का घात 2 मतलब 13 का वर्ग हो गया, 7 का घात 2 मतलब 7 का वर्ग हो गया। लेकिन वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जस्ट इसका उल्टा होता है। जिस संख्या की घात 2 होती है वो क्या कहलाती है? वही उसका वर्गमूल कहलाती है। जैसे 5 की घात 2 है तो इसका वर्गमूल क्या है? 5 है। अगर 9 की घात 2 है तो उसका वर्गमूल क्या है? 9 है। लेकिन घात 2 ही होनी चाहिए। अगर 3 की घात 7 है तो ये वर्गमूल नहीं है, ये 3 to the power 7 बोला जाएगा। अगर 3 की घात 3 है तो ये वर्गमूल नहीं है, ये क्या है? न वर्ग है न वर्गमूल है, ये घन लगा है, 3 का घन है। ठीक ना, जिसे क्यूब बोलते हैं। 3 घात होती है तो क्यूब बोलते हैं, 2 घात होती है तो वर्ग बोलते हैं। 4 घात अगर होती है उससे ज़्यादा हो जाए 3 से तो उसे घन या क्यूब कुछ नहीं बोलते, उसे 3 की पावर 4 या फिर 3 to the power 4 वगैरह ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अगर किसी भी संख्या की घात 2 लगा दें तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और जिस संख्या की घात 2 लगी होती है वही संख्या वर्गमूल कहलाती है। 5 की घात 2 का वर्गमूल 5, 9 की घात 2 का वर्गमूल 9 और 13 की घात 2 का वर्गमूल 13। इस तरह से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो। आगे देखिएगा, इसमें का मुख्य हेडिंग है स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर, मतलब कि माइनस वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। जैसे -3 का अगर स्क्वायर बोलें तो क्या हो जाएगा, पता है आपको? 9 हो जाएगा। 12 का 144 होगा। माइनस की कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा, बस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस में हो जाता है। लेकिन इसमें स्क्वायर के अलावा अगर हम घन की बात करें, क्यूब की, तो हर जगह माइनस हो जाएगा। ये कुछ सवाल है, इनका मान आपको खुद को बताना, इसका भी बताना, इसका भी, इसका भी। देखो 4 क्वेश्चन है इसमें, इसको आपको खुद को बताना है। वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए, तुरंत यहीं पर रुक गया, रोक करके नोट करिए इसको। अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा पीछे कर लो तुरंत, और पीछे करके करो फट से तुरंत, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता बहुत बड़ा। हाँ, अगर क्यूब की बात करें 3 घात, तो इसका आंसर जो है वो -27 आएगा। 3 घात पर हमेशा क्या आएगा, पता है? माइनस में आएगा आंसर। तो याद रखना, कोई भी नंबर अगर 3 घात है, जैसे 7 का अगर 3 घात करोगे तो 7 × 49 क्या होगा? 343 होगा, मतलब कि 343 किस में होगा? माइनस में होगा। लेकिन अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा? माइनस में होगा क्यूब पर। देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, अब हम आपको दिखाएंगे भिन्न का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन, ध्यान से देखना। और एक बात मैं आपको बता दूं पहले,
अगर आपको बेसिक मैथ बिल्कुल सीखना है, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, मस्ट है ज्वाइन करना। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको यूट्यूब पे सब कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए हम आपको लास्ट में अभी बताएंगे, नंबर देंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका जो वैल्यू होगा 1/4 होगा। अब आप लोग जानते हो कैसे 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को दो बार गुणा करना है। फ्रैक्शन का गुणा सब कोई सीखा है, 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4। इस तरह से 1 का 1 में करोगे इसमें 1 और 3 का 3 में 9। इसको आप खुद से करना, ठीक ना। और हाँ इतना ही नहीं, ये तो छोटा छोटा था, इसका भी आप लोग करके लेके आना, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा, और इसका भी बता दो जल्दी से कितना आएगा। ये है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, आप सीख रहे हैं जीरो लेवल गणित PVR स्टडी इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लासेज में। इसे आप PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर भी देख सकते हैं और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज PVR स्टडी, वहां पर भी आप इसे बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कुछ बातें आपको याद करने लायक हैं कि सम संख्याओं का जो वर्ग है वो हमेशा सम संख्या होती है और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना। और अभाज्य संख्याओं का वर्ग हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होती है, भाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसे अगर सम संख्या के वर्ग की बात करें तो 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा। यहाँ पर 4 और 16 यानी कि 4 और 16 दोनों क्या है, सम संख्या है। अगर हम 19 का वर्ग की बात करें जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका क्या आएगा, 361 आएगा लगभग, जो कि दोनों क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये आपको याद करके रखना है। 19 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसका वर्ग करोगे जो 361 आएगा, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो मतलब समझना, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होगी, विषम का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन उसमें लेकिन में क्या है कि अभाज्य संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होगी, वो भाज्य संख्या आएगी, बस इसको याद रखना। और इसमें कुछ और भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसको भी देख लेना। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम 20 तक का वर्ग और स्क्वायर याद करके रखें। मतलब आप क्यूब और जो स्क्वायर है यानी कि घन और वर्ग याद करके रखिए कम से कम 20 तक, तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का होगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। इसको आपको कोई तरीका नहीं बताएगा, कोई ना कोई इसका ट्रिक बताएगा, ठीक ना। हाँ 20 के ऊपर जो बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तो वहाँ से आपको ट्रिक और तरीके बताए जाते हैं, वो हम आपको बता देंगे। 8 का अगर वर्ग करोगे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ तुरंत, ये हर किसी को आता है, सभी लोग कमेंट करेंगे जितना नंबर लिखा हूँ, जल्दी से बताओ। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि कोई बता दे तो हम छाप। 13 का 169 होता है, अच्छा 196, तो 14 का होगा 196। 15 का बताओ जल्दी से, अच्छा 225 के 256। 16 का कितना होगा, 17 का बहुत आता है इसका मतलब पढ़ लियो का। 18 का कितना आएगा, 306 नहीं होगा, जल्दी बताइए। अरे जी पहाड़ा आता है, 18 8 144 होता है। हाँ फिलहाल 14 18 1 18 18 में 14 जोड़ोगे क्या आएगा, 32 आएगा, 324 होगा, गुणा कर लो नहीं आता तो, लेकिन पहाड़ा आना चाहिए। और हाँ जिसको पहाड़ा नहीं आता वो कमेंट करके बताएगा, हम आपको पहाड़ा याद करने की एक जादुई ट्रिक बताएंगे जिसमें आप लगभग 50 तक के पहाड़े कुछ सेकेंडों में याद कर ले जाएंगे। विश्वास नहीं होगा तो एक बार देखना, कमेंट जरूर करना। अगर पहाड़ा आएगा तो आप ये वर्ग वगैरह कर ले जाएंगे चुटकियों में, पहाड़ा नहीं आएगा तो फिर आपके लिए काफ़ी मुसीबत आ जाएगी, ठीक ना। पहाड़ा को इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। तो ये 18 तक का आपका हो गया, ठीक। अब 19 का जल्दी से बताओ, 19 का कितना आएगा, जल्दी बताइए। 19 का 20 का 20 तक याद करने को कहा था ना, जल्दी बोलिए कितना आएगा। 19 9 171, हासिल आया 17, 19 में 19 का गुणा करो 1 आएगा, और 19 और 17 जोड़ दो, 19 2 38, 38 में से 2 कम कर दो कितना होगा, 36। ये तरीका आप गुणा कर लो। और 220 का 20 में करेंगे क्या आएगा पता है, 400। देखिए गुणा करने का तरीका जीरो वाला बहुत आसान होता है, 20 का 20 में करना है ना, आप दोनों जीरो उतार लो चुपचाप ये, और नंबर नंबर का गुणा कर दो, 4 हो गया। कोई भी नंबर का गुणा करना है जिसमें जीरो लगा है, बहुत ही आसान होता है। जैसे देखो इधर ये 4000 का गुणा करना है आपको 400 में, बहुत ही आसान है।
तीन ये और दो ये, पांच बार जीरो है इसको, 5 0 आप लिख लीजिए और फिर 4 का 4 में गुणा कर लो 16। ये जिसमें ज़्यादा जीरो होता है ना वो बहुत ही आसान होता है एकदम, आप उसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए ऊपर जो दिया गया है। और हाँ, नंबर लिखने के पहले एक बात को ध्यान से देखना, अगर आपने इस नंबर को लिखा और इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो पहले ये सोचना कि आपको कंप्लीट जीरो लेवल मैथ के लिए 549 रुपये जमा करना होगा। जिन लोगों को लगता है कि भाई बहुत पैसा लूट रहे हैं नहीं करना है, तो वो बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में देखते रहें, व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपको 549 रुपये जमा करना होगा। फिर हमारी जिम्मेदारी जो है वो कुछ और बढ़ जाएगी, आपको लाइव क्लास प्लस वीडियो क्लास प्लस डाउट क्लास, आपको अगर कोई डाउट होता है वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। इस तरह से मिला करके आपको लगभग मैं बता रहा हूँ कि 300 से अधिक क्लास मिलेगी। एक तरफ से पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, एक पार्ट वाइज, एक सीक्वेंस वाइज सब कुछ मिलेगा, पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। तो आज ही ज्वाइन करें अगर आप मैथ वास्तव में सीखना चाहते हैं। अगर वैसे यूट्यूब पर देखकर मज़े लेना चाहते हैं तो फिर ऐसे देखते रहें, यूट्यूब पर जो भी क्लासें होंगी उसको आप देखते रहें, एक भी कौड़ी नहीं देना आपको, फूटी कौड़ी नहीं देना, ठीक ना। तो यूट्यूब पर देखते रहिए और इसी क्लास को सेम टू सेम शाम 7:30 बजे से आप रिवीजन कर सकते हैं आपके अपने PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर। इस समय आप देख रहे हैं PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, है ना। तो PVR स्टडी ग्रुप, PVR स्टडी का ही एक दूसरा चैनल है, और आप इसे दोपहर में 11 बजे फेसबुक पर रिवीजन कर सकते हैं। दोपहर 11 बजे से फेसबुक पर आपको क्या करना होगा, अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, जहां पर आप अपने फ्रेंड्स को सर्च करते हैं वहां पर आपको PVR स्टडी लिख करके सर्च करना है, और जो पेज आएगा PVR स्टडी का लोगो लगा हुआ उसे लाइक करके फॉलो कर लेना है, और फिर इस तरह से आप सारी क्लास को क्या करेंगे वहां पर आराम से देख पाएंगे आसानी से। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी करना है, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, कोई सवाल जवाब है जो आपके दिल में गूंज रहे हैं, तो आप इन नंबरों पे सुबह 10 से शाम 6 बजे के पहले कॉल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं रात में 11-12 बजे उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो कॉल मत करिएगा, कोई कैसे स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, आप लोग समझा करिए और वीडियो कॉल करता ही मत किया करिए, समझ गए हो ना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, आप हमारे साथ इतना देर जुड़े रहे इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें और अपना PVR स्टडी को दोस्तों में भी शेयर करते रहें। थैंक यू।